देखिए मेरे हाथों को ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है। लगता है क्रांति माँ की कृपा चली गई। अब समझ में आया कि मेरी कृपा किस वजह से रुकी है? इस चप्पल के कारण। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन सी कृपा की है इस क्रांति माँ ने इस घर पर? ये सब संतोषी की वजह से हुआ। पहले से ही वो संकेत क्या कम था कि एक और संतोषी माँ की पुजारन यहाँ पे आ गई। I'm sure कि पापा को भी इसी ने भड़काया, इसीलिए हर चमत्कार को वो संतोषी माँ की कृपा कहते। अरे पत्थर पड़ गए तुम लोगों के दिमाग पर। अब कल उठकर ये मत कह देना कि जो क्रांति माता की कृपा रुकी है वो भी इसी ने करवाई है। प्लीज रिलैक्स एवरीबडी, जो होना था सो हो गया। अब आपस में उलझने से क्या फायदा? अब तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम क्रांति माता को कैसे प्रसन्न करें। पापा अब मां जी को अंदर ले जाइए, हम कुछ सोचते हैं। भगवान बचाए इस अंधविश्वास से, हद हो गई। काका हम आते हैं आपके साथ। चलो जी। काकी रो क्यों रही है? अरे विद्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमें तबीयत ही नहीं पड़ी है, हमें तो अपने परिवार की फिक्र हो रही है। आज हमारी वजह से सबको नीचा दिखना पड़ा और हमारे कारण ही क्रांति माता का भी अपमान हो गया। जरूर हमारी श्रद्धा में कमी होगी तभी ये सब हुआ। क्रांति माँ आप जो चाहे हमें दंड दे दे, हम प्रायश्चित करेंगे। काकी आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़े या फिर माफी मांगनी पड़े। अब तुम हमें बताओगी कि हम माफी मांगे या ना मांगे? विद्या तुम भी ना, इस संतोषी सही तो कह रही है। आप चुप रहिए। अरे इसको क्या पता कि क्रांति माता के कितने उपकार हैं हमारे परिवार पर। हमने खुद उनके चमत्कार देखे हैं और देख लेना उनकी कृपा दोबारा होगी और हम ठीक हो जाएंगे, तब हम इसको बताएंगे। धैर्य बिल्कुल ठीक कह रहा था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसकी वजह से ना। ये इनको संतोषी माता के बारे में बताती और ना ये हमें बताते, हम तो बेकार ही इनकी बातों में बह गए। देख लेना इतना कुछ होने के बाद भी क्रांति माँ हम पे कृपा जरूर करेंगे और ये हमारे हाथ जरूर उठेंगे। ठीक है अब तुम ऐसा करो, आराम करो। ये इतनी परेशानी इतनी चिंता तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आपने 10 लाख का चेक बनवाया था, हम ले आए। हेलो दरअसल आप सब सोच रहे होंगे कि ये चेक मैंने एक खास मकसद के लिए बनवाया है। इस वक्त हमारे परिवार को क्रांति माता के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अगर
वो नाराज हो गई तो हमारे परिवार की सारी खुशियां चली जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। माँ जी तो पता नहीं कब ठीक होंगी, लेकिन क्रांति माता को हम नाराज नहीं रख सकते। आखिर इस घर का ऐशो आराम सब उन्हीं की कृपा से तो है। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर इतना बड़ा अमाउंट किसके लिए? आपके भैया और हमने तय किया है कि ये अमाउंट हम क्रांति माँ के ट्रस्ट में देंगे। What? 10 लाख का चेक? तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सुन रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। जी हम बस वो मेरा मतलब ज्यादा मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे घर के बड़े साथ में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। खैर हमारे और धैर्य की तरफ से तो ये चेक है, और अगर तुम में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कर सकता है। भैया वैसे धैर्य के साइड से आप दे रहे हैं तो मेरे साइड से भी दे ही दीजिए ना। मेरा हिस्सा तो आप ही के पास ही है ना। मैं दूं आप दूं एक ही बात है। जिसको जो देना है दे। ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है। सुनिए आप जल्द से जल्द किसी को भेजकर ये चेक क्रांति माता के दरबार में भिजवा दीजिए। ठीक। एक मिनट भैया, घर की खुशियों की बात है ना, सो मैं भी कंट्रीब्यूशन करना चाहूंगी। एंड एनीवेज जो भी कमीशन मुझे मिलते हैं आप ही के कारण से मिलते हैं। हाँ जरूर। एक काम क्यों नहीं करती, अपने पास जो भी कुछ है ना सब कुछ दान में दे दो। What is wrong with you? मैं क्रांति माता के आश्रम में दान दे रही हूँ, शॉपिंग के लिए नहीं जा रही। एनीवेज तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद भी कमाती हूँ ना। ओहो मैं तो भूल ही गया था कि आप कमाती हैं। मानो ना मानो सब गलती इन्हीं की है। एक बार देख लेते तो क्या चला जाता इनका। सब चीजों पे ध्यान था लेकिन चप्पल पे नहीं गया। अब सुन भी रहे हो या नहीं? पूरे परिवार की नींद उड़ाकर अब खुद चैन से सो रहे हो विद्या। अरे अब तुम बस भी करो। पहले तुम अपने आप को दोषी ठहराती रही, उसके बाद तुमने संतोषी को बुरा बुला कहा, और कोई नहीं मिला तो अब मेरे पीछे पड़ गई हो। अरे ये चप्पल की कहानी कब तक चलेगी? हाँ जैसे कि सब कहानियां तो हम ही कहते हैं ना, आप तो कुछ नहीं। वहां क्रांति माता के सामने दुर्गति हमारी हुई, विश्वास हमारा टूटा, आपका तो नहीं। विद्या तुम प्लीज जरा आंखें खोलो। अगर इस तरह आंखों पे पट्टी बांध के चलती रही तो फिर से ठोकर खाओगी तुम। और तुम मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारी क्रांति माता है जिसे तुम भगवान का दर्जा देती हो, अगर उसमें शक्ति थी तो वो तुम्हारे दोबारा हाथ ठीक करती कि नहीं? बस बहला फुसला कर तुम्हें वापस भेज दिया। काका ये रहा गर्मा गर्म खाना, तो आज आपको मजा आ जाने वाला है। जरा चेक कर बताइए कैसे बना है। ओहो तो आज काका और काकी के बीच फिर से युद्ध छिड़ा। अरे बेटी जरा इन्हें समझाओ ना, क्रांति माँ की ये कृपा जो है ये सिर्फ वहम है। अरे छोड़ो हमें कुछ नहीं समझना, और इससे तो कुछ भी कहा ना तो संतोषी माता की गुणगान करने लगेगी। गुणगान नहीं विश्वास है वो। पर काकी ये आप सबका क्रांति माँ पर इतना अंधविश्वास ठीक नहीं। जैसे तुझे बड़ा पता है अंधविश्वास के बारे में, कितना करना चाहिए कितना नहीं। तू इतना जो ज्ञान बखान रही है तू बता ना अंधविश्वास क्या होता है। बहुत हो गया विद्या, तुम एक काम करो तुम खाना खाओ। देखा जब काम की बात पूछी ना तो बोलती बंद हो गई। अब ये सब छोड़ो तुम अब खाना खाओ।
काकी, आपको जानना है ना कि अंधविश्वास क्या है? तो हम बताते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्रांति माँ के चमत्कार पर पूरा विश्वास है ना? हमको उन पर अपने से ज्यादा भरोसा है। अरे पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? देखिएगा काकी, ये तेली पूरी जल जाएगी पर हमारे हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि क्रांति माँ का नाम जपने से हमारे हाथ को कुछ नहीं होगा। अरे बेटी कैसा पागलपन है, अरे फेंको इसे, तुम्हारा हाथ जल जाएगा बेटा। काका आज विश्वास और अंधविश्वास दोनों टकराने वाले हैं, आप बस देखते जाइए। नमामि नमामि नमामि। चलो अच्छा है, अब ये भी क्रांति माँ की भक्त हो जाएगी। नमामि नमामि नमामि। नमामि नमामि नमामि। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसे ही कुछ होगा। आखिर क्रांति माँ की महिमा कोई छुपी थोड़ी है। क्यों, अब भी तुझे कुछ कहना है क्या? कहना है ना काकी, जो दिखे हमेशा वही सही नहीं होता। आपको लग रहा है ये तीली क्रांति माँ की कृपा से बुझी है, पर ऐसा नहीं है काकी। इस तीली के बुझने का कारण इसका आधा गीला होना है। देखिए, हमने पहले से इस तीली को आधा गीला कर दिया था, इसलिए आग आगे नहीं बढ़ी। अगर हम आपको नहीं बताते तो आपके लिए तो ये क्रांति माँ का चमत्कार ही होता ना। यही तो है अंधविश्वास, जिसे ना हम देखना चाहते हैं ना समझना। भक्ति विश्वास पर टिकी होती है, अंधविश्वास पर नहीं। और हमारी संतोषी माँ अंधविश्वास को जरा भी बढ़ावा नहीं देती। अगर तेरी संतोषी माँ में इतनी शक्ति है तो अभी के अभी हमारा हाथ ठीक करके दिखाएं। आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा काकी, अगर आप सच्चे मन से संतोषी माँ की भक्ति करेंगे तो। इतना विश्वास तेरे मन में तो संतोषी माँ ही बसी है। हाँ काकी, वो तो है, और ये भक्ति मरते दम तक रहेगी। आप देखिएगा काकी, बहुत जल्द आपका हाथ पहले की तरह हो जाएगा। बस एक बार आपके मन में संतोषी माँ के प्रति विश्वास आ जाए, हम आपसे वादा करते हैं आपके मन में वो श्रद्धा हम जगा कर रहेंगे। आपके पास तो दिव्या शक्ति है, फिर आप क्यों कर रही हो? गौ माता, आप भी हमारी सहायता कीजिए ये स्तंभ बनाने में। अवश्य माते। गौ माता, जिस कार्य में शक्ति की आवश्यकता ना हो उसमें व्यर्थ ही अपना समय और योग्यता नष्ट नहीं करनी चाहिए। मनुष्य भी इसी अपेक्षा में रहता है कि भगवान अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सब यकायक ठीक कर दे, किंतु वो ये भूल जाता है कि इस सृष्टि का अपना एक नियम है। यदि हर कार्य दिव्य शक्ति से होने लगे तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अपनी कार्य कुशलता या आत्मनिर्भरता को छोड़कर मनुष्य यदि दिव्य शक्तियों पर अधिक निर्भर करने लगे तो ये अनुचित होगा। सत्य कहें तो भक्ति का लाभ भी उचित समय पर मिलता है। जैसे
संतोषी ने विश्वास के साथ 16 शुक्रवार का व्रत आरंभ किया है, किंतु उसे उसका परिणाम अभी नहीं मिल सकता। यदि ऐसा हुआ तो उसके व्रत की क्या महत्वता रह जाएगी? मनुष्य को अपनी कार्य कुशलता पर विश्वास कर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये सर्वव्यापी सत्य है कि जो मनुष्य स्वयं की सहायता करेगा, हम उसकी सहायता करेंगे। अर्थात यदि वो वृद्ध महिला पूरे विश्वास के साथ अपना हाथ ठीक करने का प्रयत्न करेगी तो माते आप उन्हें अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी। हमारी कृपा हमेशा हमारे भक्तों पर है, किंतु मनुष्य प्रत्येक क्षण चमत्कार की प्रतीक्षा में लगा रहता है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मदेव ने उस व्रत महिला के जीवन में क्या लिखा है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि उनके साथ हमारी परम भक्त संतोषी है, जो अपनी श्रद्धा और विश्वास से कुछ भी पा सकती है। अवश्य देवी संतोषी, किंतु विश्वास की नींव भी अगर हिला दी जाए तो मनुष्य तो कांच की भांति टूट जाता है, जो पुनः नहीं जुड़ सकता। खूब शीघ्र संतोषी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अत्यधिक भरोसा है ना आपको उसकी श्रद्धा और विश्वास पर? आप देखिएगा, सारा का सारा विश्वास ढह जाएगा, ताकि समस्त संसार में विश्वास शब्द का नाम ही नष्ट हो जाए और मनुष्य पर सिर्फ छल, कपट और ईर्ष्या राज करे। Wow, I'm finally home. Thank you, Bhai Sahab, for dropping me home. Yeh raha aapka. Riya, baby, how are you? तो मुझे पार्टी में अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अरे सर की आवाज। सही सलामत मैं घर पहुंच गया हूँ। Listen to me carefully, हाँ? अब तो मंदिर जाओ, आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। Good night. मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए उतावली हो रही हो। डोंट टच मी। क्या समझी? समझी? जी। स्कॉच।
तुम कैसे समझोगी? तुम्हें तो पता भी नहीं। बड़ी महंगी आती है, तुम्हारी तो सैलरी भी उतनी नहीं। पूरी की पूरी बोतल में पी गया। क्या पिया मैंने? स्कॉच। बहुत अच्छा किया, हम सब समझ भी गए, लेकिन आप अभी अंदर चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। चलिए। Hey, don't touch me. भैया ने एक दिन में नई सीढ़ी भी बनवा दी, मुझे बताया भी। मैसेज तो कर देते। एक दो तीन। हाँ संभाल के